इसकी जब भी बात आती है भाई, तो अंदर से एक अलग ही हार्मोन रिलीज होती है बिंज वॉच करने का। और हम जैसे सीरीज लवर को ना भाई कोई हिडन जेम मास्टरपीस सीरीज देखने को मिल जाए ना तो सेलिब्रेशन हो। तो आज की वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 मास्टरपीस नेटफ्लिक्स वेब सीरीज लाए हैं, यकीन मानिए जो कि सिर्फ क्वालिटी होगी, जिसमें टॉप 3 बोनस सीरीज भी होंगी, तो एक भी मिस ना करिएगा। नंबर 7 की सीरीज या नेटफ्लिक्स वालों ने कुछ अजीबोगरीब टाइप कुछ हटकर स्टोरी लाइन के साथ हमारे सामने रखने की कोशिश की है। हो सकता है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आए या फिर ये सीरीज आपको बहुत ही बेकार लगे, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया कॉमेडी ड्रामा के साथ बीफ। इस सीरीज को हमने इसके लीड एक्ट्रेस एली वॉन्ग की वजह से पूरा देखा। ऑलवेज बी मे बी में इनकी एक्टिंग के साथ इनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। स्टोरी दो अजीबो गरीब कैरेक्टर की है जो एक रोड इंसिडेंट में छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बनाते हैं। कैसे एक छोटी सी बात को जिसे इग्नोर किया जा सकता था, उस बात को लेकर इन दोनों के बीच एक दुश्मनी सी छिड़ जाती है। बस सिर्फ बचता है तो इन दोनों का रिवेंज, जो देखने में भाई काफी मजा आता है। एक टॉम एंड जेरी की तरह दोनों कैरेक्टर के बीच की वो खट्टी मीठी कटार, वो गुस्सा, रिवेंज जो देखने में आपको काफी पसंद आएगी। खट्टी मीठी कॉमेडी रिवेंज टाइप सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 6 की नेटफ्लिक्स सीरीज ऐसी सीरीज देखने में काफी मजा आता है जिसमें हमारे हीरो की हर तरह से बजी पड़ी हो, एक दलदल की तरह क्राइम की दुनिया में फंसते जा रहे हैं। ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की कॉमेडी ड्रामा के साथ फ्लोरिडा मैन। स्टोरी भाई एक एक्स पुलिस ऑफिसर की है जो एक गैंगस्टर के लिए काम करता है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर फ्लोरिडा भाग आती है, जिसे ढूंढ कर लाने का काम दिया जाता है। उसके बाद से भाई हमें जो दिखाया जाता है थोड़ी कुछ भी वाला फील कराती है, जिसके पीछे छिपा है ट्विस्ट। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोरिडा ही क्यों भाग आती है, आखिर माइक और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशन क्या है, आगे की स्टोरी आप सीरीज में देखो भाई। बस सीरीज से खूब ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा मत लेना, आपके लिए वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज रहेगा। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी सीरीज में से एक हो सकती है, और इसमें कोई शक नहीं भाई, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री या फिर बायोग्राफी सीरीज बनाने में सबसे आगे है, मास्टर डिग्री कर रखी है। 2022 की बायोग्राफी ड्रामा म्यूजिक मिनी सीरीज के साथ द प्लेलिस्ट। स्पॉटिफाई म्यूजिक ऐप कैसे इन्वेंट हुआ, म्यूजिक पैरेट्स की वजह से कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, स्पॉटिफाई म्यूजिक कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में लीड करता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा अपने आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलिंग के साथ। मेरा हाईली रिकमेंड है, इस सीरीज को जरूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 5 पे है उन सभी के लिए जिन्हें सीरियल किलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको कुछ खतरनाक एक्सपीरियंस जरूर कराएगी। 2019 की टोटल 3 सीजन खतरनाक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के साथ डियर पास, दो अलग अलग बॉर्डर के बीच कुछ खतरनाक भयानक रिचुअल तरीके से लोगों की मर्डर हो रही है, जिसे दो अलग अलग डिटेक्टिव को पता लगाना है कि किलर कौन है और लोगों को इतना खतरनाक तरीके से मार क्यों रहा है, आखिर है कौन, जिसके पीछे छिपा है भाई कुछ बड़ी बात। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसके सस्पेंस, जिस तरह से एक एक स्टेप इसके सस्पेंस रिवील करती है आप लास्ट तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। बस इसका नेगेटिव पॉइंट लगा भाई स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड थोड़ा स्लो है। क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज है तो थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। अगर आपको इस टाइप का सीरीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की नेटफ्लिक्स सीरीज यार ऐसा सीरियल किलर आपने ना देखा होगा, अजीबो गरीब तरीके से मारता है और क्लू छोड़ जाता है, पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। 2021 की क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के साथ द चेस्टनट मैन। स्टोरी भाई का अजीबो गरीब सीरियल किलर की है जो लोगों को अजीब तरीके से मारकर एक चेस्टनट डॉल को छोड़ जाता है, आखिर ये चेस्टनट मैन है कौन और लोगों को अजीबो गरीब तरीके से मारकर उसके पास चेस्टनट डॉल क्यों छोड़ जाता है, आखिर इसके पीछे का स्टोरी क्या है, यही सस्पेंस आपको सीरीज से बांधे रखेगी। और जब भाई इसके सस्पेंस आपके सामने रिवील होती है ना तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे, और सबसे बड़ी बात भाई लास्ट तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आखिर किलर कौन है। बस भाई इसका नेगेटिव पॉइंट है स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड स्लो है, सब्र मांगती है और यकीन मानिए सब का फल मीठा होगा, जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज, अगर आप मार्वल की थॉर जैसी कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको मार्वल की थॉर की याद दिला देगी। 2023 की टोटल 2 सीजन फैंटेसी ड्रामा के साथ रैग्नारॉक। सीरीज की सबसे खास बात लगी भाई इनकी स्टोरी टेलिंग के साथ इनकी प्रेजेंटेशन, कुछ हटकर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस सीरीज को जरूर ट्राई दीजिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है।
नंबर 3 की सीरीज गजब का भाई, 3 प्रोस्टिट्यूट की खतरनाक एडवेंचरस जर्नी, जिसके थर्ड सीजन हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया। एक्शन एडवेंचर टोटल 3 सीजन के साथ स्काई रोजो। स्टोरी 3 प्रोस्टिट्यूट की है जो अपने बॉस को मारकर उस दलदल की दुनिया से भाग निकल आई है। पर क्या इतना आसान है प्रोस्टिट्यूशन जैसी दलदल भरी दुनिया से निकलना? ये सीरीज आपको हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर एक्सपीरियंस कराएगी। 3 प्रोस्टिट्यूट उस दलदल की दुनिया से निकलने के बाद की लाइफ क्या एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है? आगे की स्टोरी आप सीरीज को देख कर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो भाई इसके कॉन्सेप्ट के साथ इसके टाइट स्क्रिप्टिंग, केवल 25 से 30 मिनट के एपिसोड कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इन तीनों लड़कियों की एक्टिंग खासकर उस पगला भाई की है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नॉर्मल लाइफ जीना तो चाहता है पर हो नहीं पाता। और हाँ, सीरीज में कई जगह पे न्यूड सीन है तो 18+ है और नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। जरूर देखिएगा इस एडवेंचरस सीरीज को। नंबर 2 की नेटफ्लिक्स सीरीज भाई खतरनाक टाइप, कोई तो है जो आप पर 24 घंटे नजर रख रहा है, एक एक पल की खबर उसे पता है। 2022 की हॉरर मिस्ट्री ड्रामा के साथ द वॉचर, जिस तरह से सीरीज का नाम है भाई पूरी सीरीज उसी तरह की है। आप अपने सपनों की घर में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो, उसके से भाई हर रोज धमकी भरी लेटर आप तक आए, अजीबोगरीब पड़ोसी मिले, 24 घंटे आप पर और आपकी फैमिली पर नजर रखा जाए, एक एक पल की खबर दे, तो बताइए भाई कितनी डरावनी घर हो सकती है। आखिर उस घर के पीछे ऐसा क्या मिस्ट्री छिपा है जो 24 घंटे एक एक पल आप पर नजर रख रही है? ऐसा क्या चीज है? आगे की स्टोरी आप सीरीज में देखो और यकीन मानो भाई फर्स्ट एपिसोड से ही आप सीरीज में खो जाओगे और खत्म होने के बाद ही छोड़ोगे। जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई, अगर आपको स्कूल लाइफ टीनेज रोमांस ड्रामा लव सेक ब्रेकअप टाइप सीरीज देखना पसंद है तो यकीन मानिए ये सीरीज आपकी लिस्ट में टॉप पे जगह बना लेगी। हम बात कर रहे हैं जिसके 4th सीजन हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया रोमांस कॉमेडी ड्रामा के साथ नेवर हैव आई एवर। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 1 की सीरीज, यार आप जेम्स बॉन्ड, बोर्न आइडेंटिटी जैसी स्पाई मूवीज के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए कोई ट्रीट से कम नहीं। हम बात करें हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया खतरनाक स्पाई थ्रिलर के साथ फूबर। स्टार्टिंग में भाई आपको लगेगा कि किस बुढ़ाओ को लीड कैरेक्टर बना दिया यार, ऐसी सीरीज को पोस्टर देखकर बिल्कुल भी जज मत करना। स्टोरी भाई अजीबो गरीब कैरेक्टर की है ऐसा मुझे लगता है। 65 के उम्र में भी एक CIA एजेंट, ट्विस्ट तो ये है कि एक मिशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी भी एक CIA एजेंट है जिनके साथ मिलकर मिशन करना है। और यही बातें सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बाप और एक बेटी एक ही मिशन पे, इससे पहले एक दूसरे की आइडेंटिटी से अनजान, इनकी खट्टी मीठी आपस की कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आएंगी। 65 की उम्र में भी वो स्वैग आपको पसंद आएंगी। और क्यों ना आए भाई जब दो अरियल CIA एजेंट फील्ड पे साथ काम करें। और सबसे खास बात भाई एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं करती। जरूर देखिए फुल स्वैग के साथ हर एक एपिसोड हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ ऐसी क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब आपके तरफ से बनता है ना, प्लीज कर दीजिए। और आइए इस लिस्ट की बैकग्राउंड म्यूजिक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।